हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। इंडियन नेवी MRSSR स्पेशल सेट लेकर आया हूं। सेट 3 है ये, सामान्य ज्ञान यानी GK का, जो कि 25 मार्क्स का आता है MR में भी और SSR में भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। 40 क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट 15 मिनट्स में हम कंप्लीट कर लेंगे। पार्ट 3 है। पार्ट फर्स्ट और सेकंड को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, इसे देखने के बाद उसे भी जरूर देख लेना। इस वीडियो को पूरा देखना और सभी क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करना, और उसके बाद जो भी आपका फाइनल स्कोर हो वो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताना। उसी के साथ इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लेना इंडियन नेवी की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए। और उसके साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल की, वहां सभी अपडेट्स मिल जाती हैं आपको और PDF और नोट्स भी मिल जाएंगी। तो जल्दी से आकर और वहां पर भी हमारे साथ जुड़ जाओ। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपका स्कोर जरूर बताना कि 40 में से आपने कितना किया, बिल्कुल ऑनेस्टली बताना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस को, लेकिन एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और उसके बाद क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं अग्निवीर नेवी MR एग्जाम 2024 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इसमें आपको सामान्य ज्ञान और विज्ञान एवं गणित दोनों सेक्शन से 2000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न यानी MCQs मिल जाती हैं, 40 प्लस सॉल्वड प्रैक्टिस सेट्स हैं इसमें। और इस बुक को बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है, जिसमें कि आपको अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस को दिया गया है। इसमें सामान्य ज्ञान का भाग 1 जो पेपर होता है उसे दिया गया है, उसके बाद आपको उसके नीचे भाग 2 यानी बिल्कुल एग्जाम की तरह देखने को मिल जाएगा गणित और विज्ञान भी, और उसके बाद उत्तर माला भी है यानी आंसर की भी है। टोटल 50 क्वेश्चंस का आंसर की आपको मिल जाएगा, उत्तर व्याख्या सहित यानी एक्सप्लेनेशन भी आपको इसमें मिल जाएगी, चाहे वो साइंस हो, GK हो या फिर मैथ्स हो, सभी क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन इसमें ऐड की गई है। और ये कंप्लीट बुक आप अगर लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर के चेकआउट कर सकते हो, ले सकते हो। और इसी के साथ में अग्निवीर नेवी SSR एग्जाम की भी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए बेस्ट बुक बेस्ट प्रैक्टिस सेट आती है, तो उसे भी आप चक्षु प्रकाशन की प्रैक्टिस सेट को लेकर के और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो। मेरी तरफ से हाँ है, आप जाकर के जबरदस्त तरीके से इसे लो और उसके साथ अपनी तैयारी को मजबूत करो। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया। तो जब संविधान सभा को स्थापित करा गया तो उसके बाद 2 दिनों के लिए अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुनाव हुआ था, और वो चुनाव हुआ था सच्चिदानंद सिन्हा जी का। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 को इनका चुनाव हुआ था और 11 दिसंबर 1946 को फिर अस्थाई अध्यक्ष को चुन लिया गया, और जो स्थाई अध्यक्ष थे वो थे हमारे राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है। इंग्लिश में भी क्वेश्चंस हैं, तो जिनको कंफ्यूजन हो वो इंग्लिश वाला भी देख लेंगे। यहां पर मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूं, ऑप्शंस आप देख सकते हैं। दूसरे नंबर सवाल का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की एक नृत्य शैली है। अगला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर है वो ये है कि मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी केरल। केरल की ये मुख्य डांस है, डांस शैली है, कौन सी? मोहिनीअट्टम, याद रखिएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि तमिलनाडु से संबंधित मानी जाती है मुख्यतः भरतनाट्यम नृत्य शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली इज द क्लासिकल डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। ये 5 नंबर का हमें जवाब देना है, और 5 नंबर का सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केरल का ये जो है शास्त्रीय नृत्य है, क्या? कथकली। अगला सवाल, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में होता है। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जम्मू कश्मीर में केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है या प्लेस है जहां पे कि केसर का उत्पादन होता है भारत में। अगला सवाल, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दामोदर नदी के ऊपर इसका निर्माण किया गया। दामोदर नदी घाटी को भारत के रूर के नाम से भी जाना जाता है, यह भी फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इसका सही जवाब क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
कि ब्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। कांग्रेस की स्थापना, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को और इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे ब्योमेश चंद्र बनर्जी। ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? Whom did गांधी जी कंसिडर टू बी हिज पॉलिटिकल मेंटर? इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले जी को ये अपना पॉलिटिकल मेंटर मानते थे, गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, मतलब राजनीति के अंदर इन्होंने जो भी सीखा था इनसे ही सीखा था, ये बोलने का मतलब है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुरक्षा परिषद जो है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी इसी की है, सिक्योरिटी काउंसिल की, जो कि यूनाइटेड नेशंस में है। ठीक है, अगला सवाल, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? Who was the first Indian citizen to win the Nobel Prize? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर जी पहले भारतीय, उसके साथ में पहले एशियन व्यक्ति थे जिनको कि नोबेल प्राइज दिया गया। नोबेल प्राइज 1913 में इनको दिया गया, साहित्य के अंदर इनको मिला था। आपको पता है अलग अलग कैटेगरीज हैं, तो उसमें साहित्य के अंदर इनको नोबेल प्राइज दिया गया था और ये 1913 में मिला था। इनकी पुस्तक थी गीतांजलि, उसके लिए इन्हें दिया गया था, नोबेल से सम्मानित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। उसके साथ में मदर टेरेसा को जीत दिया गया, जो वो 1979 में दिया गया और वो शांति के क्षेत्र में दिया गया। ठीक है, सीवी रमन जी को 1930 में दिया गया और वो फिजिक्स में दिया गया। ठीक है, रमन इफेक्ट की खोज के लिए। ठीक है, उसके बाद बात करें हम अमर्त्य सेन की, तो 1998 में इन्हें दिया गया इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र के अंदर इन्हें दिया गया। तो सभी को आप लोग एक बार याद रख लेना, नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत 1901 में हुई थी। ठीक है, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, यानी 1995 में मिड डे मील योजना की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश की राष्ट्रगान कौन सा है? मतलब बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है वो कौन सा है और इसे किसने लिखा, तो कौन सा है यही हमें बताना है, बेसिक चीज ये है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अमार सोनार बांग्ला, और ये जो लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, भारत का भी और बांग्लादेश का भी, दोनों का राष्ट्रगान लिखा है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? Who was the founder of लोधी डायनेस्टी? 14 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बहलोल लोधी जो है लोधी वंश का संस्थापक था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोला जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बांसुरी से संबंध रखते हैं हरिप्रसाद चौरसिया। अगला सवाल, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 25 वर्ष। देखिए, भारत का प्रधानमंत्री बनना है आपको पहले लोकसभा का सदस्य बनना पड़ेगा, एमपी बनना पड़ेगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और उसके लिए आपकी मिनिमम एज 25 साल है। तो 25 साल के अगर आप होते हैं पहले आपको चुनाव लड़ना होगा, फिर आपको आपकी पार्टी अगर नेता चुनती है जो कि मेजोरिटी वाली पार्टी होगी तो वही प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सम्राट अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण कराया था और यह मध्य प्रदेश में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? यक्षगान इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कर्नाटका का ये बहुत ही ज्यादा लोक नृत्य है, फोक डांस है। अगला सवाल, मैकमोन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत और चाइना के बीच में मैकमोन रेखा है। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले अग्निवीर नेवी एसएसआर एंड डीएमआर का आप टेस्ट लगाना शुरू कर दो। ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज आ गई है रक्षक ऐप के ऊपर, यहां पर आपको जाना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाते हो तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेगी, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर बेस, उसके बाद प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा, ई बुक फ्री में मिलेगी जो भी लोग लेंगे, डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा और आपको एनालिसिस करने का भी मौका मिलेगा। आप कितनी भी बार टेस्ट लगा सकते हो अभी से लेकर स्टेज टू एग्जाम तक, तो इस तरीके से जाइए, फायदा उठाइए, ये टेस्ट लगा ले तो आप आराम से एग्जाम क्लियर कर लोगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इंस्टॉल कीजिए, पहले डेमो लगाइए, डेमो अच्छा लगता है तो परचेज कीजिए, परचेज करते टाइम अभी 50 मेरा कोड यूज करेंगे आप तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है?
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नेपाल के अंदर जो है माउंट एवरेस्ट अवस्थित है। अगला सवाल, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, कौन सी रिवर जो है दक्षिणी गंगा कहा जाता है, दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। और एक और बात यहां पर ध्यान रखिएगा कि अगर पूछा जाएगा कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, ठीक है। और दक्षिण गंगा, वृद्धा गंगा, बूढ़ी गंगा, इस तरीके से गोदावरी नदी को भी इसको बोला जाता है, और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नीलम संजीव रेड्डी जी, ये पहले व्यक्ति थे जो कि निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति के रूप में। वहीं पर ये भी ध्यान रखिएगा कि ये पहले व्यक्ति हैं जो कि राष्ट्रपति भी भारत के रहे हैं और लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, ठीक है। अगला सवाल, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा जो कि सुंदरबन डेल्टा है, कौन सी वो दो नदियां हैं जो इसका निर्माण करती हैं, और इसका सही जवाब हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये दो नदियां इसका निर्माण करती हैं, ठीक है। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है, ये आपको बताना है। 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि लोथल जो है ये बंदरगाह यानी कि पोर्ट सिटी है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ठीक है। अगला सवाल, किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ सितार एंड तबला। 26 का सही जवाब अमीर खुसरो को जो है सितार और तबले का जनक माना जाता है। अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, विच इज द हाइएस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पामीर या तिब्बत का पठार, इसे जो है संसार की छत के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल, ये आपको बताना है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मिहिर सेन इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति। वहीं पर ये भी आप लोग याद रखिएगा कि वर्ल्ड में पहली महिला जिसने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया, आरती साहा, जो कि भारत की ही है। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। 29 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दादा भाई नौरोजी पहले व्यक्ति जो कि ब्रिटिश संसद में चुने गए, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 30, भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। 30 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल के अंदर चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला सवाल 31, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा जो हमारी होती है इसके पदेन सभापति होते हैं हमारे उपराष्ट्रपति, मतलब जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति रहेंगे वही उसके पदेन अध्यक्ष रहेंगे। एक और बात, राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं ना, वो कभी भी उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं, तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रखिएगा, राज्यसभा उच्च सदन है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, ये भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये अस्थाई सभा है। अगला सवाल, दो बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, दो बार नोबेल पुरस्कार जिन्हें मिला। 32 का क्या हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए, यानी मैडम मैरी क्यूरी को, इनको फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में ही दो बार मिल चुका है नोबेल अवार्ड। सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहां है, हेडक्वार्टर ऑफ सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है सार्क का, और इसका मुख्यालय अवस्थित है काठमांडू में, काठमांडू नेपाल में इसका मुख्यालय। इसके टोटल 8 सदस्य देश हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1985 में की गई थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे, वाज द फर्स्ट परमवीर चक्र विनर, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मेजर सोमनाथ शर्मा जी, जो कि इंडियन आर्मी से थे, इनको पहली बार प्रथम परमवीर चक्र दिया गया। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च गैलेंट्री अवार्ड है, मिलिट्री में इससे बड़ा अवार्ड नहीं है युद्ध के लिए, परमवीर चक्र याद रखिएगा। अभी तक टोटल 21 लोगों को दिया गया है, जिसमें से कि 20 इंडियन आर्मी से और 1 इंडियन एयरफोर्स से है, नेवी में अभी किसी को भी ये प्रदान नहीं किया गया है। 35 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, इसका सही जवाब हो जाएगा 35 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, यानी सरोजिनी नायडू जी इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, और पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की एनी बेसेंट थी। तो दोनों का डिफरेंस याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है,
जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 36, 1983 के विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन कौन थे? तो वो थे कपिल देव। कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। और इन्होंने 1983 में कैप्टनसी की थी भारतीय टीम की, जो जीता था। 2011 में एमएस धोनी की कैप्टनसी में विन किया। 37, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? हाउ मेनी मेंबर्स कैन द प्रेसिडेंट नॉमिनेट इन द राज्यसभा? तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 12 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकते हैं राष्ट्रपति राज्यसभा में। 2 व्यक्तियों को कर सकते थे लोकसभा में, अब नहीं किया जाता है, लेकिन कभी आ जाए क्वेश्चन तो 2 ही होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला 38 नंबर, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, ऑप्शन ए हो जाएगा, 1901 में नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत हुई, पहली बार दिए गए, जिसमें फिजिक्स में दिया गया था, बहुत चर्चित है ये, आप लोग ध्यान रखिएगा, WC रोंटजेन, जिन्होंने एक्सरे का आविष्कार करा था। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, यूपी में सुगर केन का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA जिसे हम बोलते हैं, इसका मुख्यालय या इसे बोले कि ये कहां स्थित है, ये अकेडमी कहां स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 40 का, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि देहरादून में। खड़गवासला की बात करें तो खड़गवासला में नेशनल डिफेंस अकेडमी है, ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में 40 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, होपफुली आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। तो ये थी पार्ट 3, इसके बाद हम पार्ट 4 को कंप्लीट करेंगे। अब डेली ही वीडियोस आपके लिए आएंगी, आपको और क्या चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, अपना स्कोर जरूर बताना, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, टेलीग्राम पर भी जल्दी से आकर जुड़ जाओ। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।